हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम टेस्टी सी नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक बाउल ले लिया है और एक कटोरी हमने सूजी ली है। उसके बाद एक कटोरी पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। तो ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है इसमें, तो बस इतना ही पानी डालेंगे कि ये अच्छे से भीग जाए। तो ऐसे करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो सूजी भी अच्छे से फूल गई है। तो एक बार मिक्स कर लेंगे इसको। तो ये आप देखिए, सारा पानी भी अच्छे से फूल गई है। ये तो सारा पानी भी सोख कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे करके, तो थोड़ा पानी हमने और डाल दिया था इसको और अच्छे से फेंट लिया इसको। उसके बाद एक टमाटर काटा है हमने बारीक बारीक, तो उसको डाल देंगे। और एक प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ। उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्ची डाल देंगे बारीक कट करी हुई। और नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद आधी छोटी चम्मच ये कच्चा जीरा है तो वो डाल देंगे। और थोड़ा सा हम ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और थोड़ा हरी धनिया की पत्तियां डाल रहे हैं। थोड़ा सा एक चुटकी हींग डाल रहे हैं। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे करके चला चला लेंगे अच्छे से करके। आपके पास कोई और सब्जियां भी हों तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह। और उसके बाद इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे करके और थोड़ी देर चला लेंगे तो ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है ये नाश्ता। आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन के लिए भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। उसके बाद 1 चम्मच तेल गरम किया है और इसमें हम आधी छोटी चम्मच राई डाल लेंगे। राई को थोड़ा चटकने देंगे और उसके बाद इसमें तड़का मार देंगे ऐसे करके। और इसे तड़के को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो ऐसे करके चलाते हुए और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है ये बैटर, ना ज़्यादा वैसा है, पतला है, तो बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं गैस की तरफ। इधर हमने पैन रख दिया है गैस में। आप चाहें तो इस नाश्ते को तवे में भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको फैला लेंगे, बस जितने पे हमें नाश्ता बनाना है उतने पे ही तेल डालेंगे। और उसके बाद ये बैटर डाल लेंगे। तो छोटी करछी से 2-3 करछी बैटर डालेंगे ऐसे करके। और इसको थोड़ा फैला लेंगे, तो ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाएंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम ही रखेंगे। तो ऐसे करके फैला के और गैस को लो पे रखेंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढक लेंगे। तो 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं, तो अच्छे से ड्राई हो गया ऊपर से। तो अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और उसके बाद इसे पलट लेंगे। और दूसरी साइड से भी ऐसे ही खुले में ही इसे सेक लेंगे अच्छे से। फिर से हम इसे पलट लेंगे। ये आप देखिए, बढ़िया सा सिक गया एक साइड से। फिर से हम थोड़ी देर सिकने देंगे इसको। तो ये एकदम बढ़िया सा सिक गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ऐसे ही सारे बना लेंगे। तो ये हमारा पूरा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा।
और इसको आप ऐसे ही भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। नहीं तो सॉस, चटनी या चाय के साथ आप खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। थैंक यू।